चाचा बासु लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं। पिछले महीने शादी के बाद अब वे पति करण सिंह ग्रोवर के साथ मालदीव में हनीमून मना रही हैं। दोनों 9 मई को मालदीव पहुंचे। इसके बाद करण और बिपाशा लगातार हनीमून की कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अभी हाल ही में करण और बिपाशा के इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों को लेकर विवाद हो गया है। इस पर कुछ यूजर्स ने अश्लील कमेंट्स किए हैं, जिसको देखकर बिपाशा भड़क गईं। बिपाशा ने अपने बेडरूम की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। बेड को लाल रंग की गुलाब की पत्तियों से सजाया हुआ था और दूसरी तस्वीर में बिस्तर पर गुड नाइट लिखा हुआ था। इसके साथ ही टॉवेल आर्ट पर भी कमेंट किया गया है। उन्होंने लिखा है, This is to address the weird comment on my towel art post recently. The first post was 3rd Jan 2015. No strange negative comment. Second post this week, lots of weird comment. My question is, why is so disturbing and offense to see beautiful towel art done by talented housekeeping staff? What has changed? Now I'm married, so I can't like towel art. Anyways, pretty ridiculous. Get a life, guys. Get a life, guys. Who took for negativity in the sweetest of things? Be happy. Live your own life. And yes, I will post more towel art soon because I love it. There are many people, I'm sure, who appreciate other people's sweetness. आपको बता दें, जब से ये हनीमून की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, तब से यूजर्स इनको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। इससे पहले करण की फोटो शेयर करने पर एक फॉलोवर ने लिखा था, जेनिफर बिपाशा के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं करण के एक दूसरे फैन ने लिखा है, आप लकी थे क्योंकि जेनिफर बेस्ट थी। ऐसे कई कमेंट्स जेनिफर बिपाशा और करण को लेकर किए गए हैं। इस पर करण सिंह ग्रोवर ने तस्वीर के कैप्शन में लिख सवाल पूछा है, मेरी पत्नी देवी है, क्या लक ने मेरा साथ दिया? जेनिफर करण सिंह ग्रोवर की दूसरी पत्नी थी, जिनसे तलाक लेने के बाद ही करण ने बिपाशा से 30 अप्रैल को बंगाली रीति रिवाजों से मुंबई में शादी की है।